नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है गोल्डी और गोफर्न टीवी के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। जैसा कि आप सभी भली बात ही जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन कर रही प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते ही रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं बांसवाड़ा शहर के करीबी गांव सियापुर की रहने वाली 10 वर्षीय नन्ही सी गायिका दीक्षिता पटेल से। आइए इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। दीक्षिता, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम दीक्षिता पटेल है, मैं रहने वाली गांव सियापुर की, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी कक्षा में? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा दीक्षिता, अब आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आपको गायन का शौक कैसे और कब से लगा? मुझे मन से शौक लगा कि मुझे इसी गायककार बनना है, इसलिए मैं गायककार की लाइन में चल रही हूँ। अच्छा, तो मन में ही आपके भाव आए कि मुझे गायक बनना है और आगे भी आप अपना करियर इसी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आप अभी तक कितने कार्यक्रम कर चुकी हैं और कहाँ कहाँ आपने प्रस्तुतियाँ दी हैं अपनी? मैंने अब तक 401 प्रोग्राम कर चुकी हूँ। मैंने सबसे पहला प्रोग्राम बेणेश्वर धाम पे किया था, त्रिपुरा सुंदरी, अहमदाबाद, बम्बे, इंदौर, उदयपुर, मैंने यहाँ शहरों में कर चुकी। अच्छा, मतलब बांसवाड़ा जैसे छोटे शहर के अलावा आपने बड़े बड़े महानगरों में भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। दर्शकों, बहुत अच्छी बात है कि एक नन्ही सी 10 वर्षीय बालिका जो पिछले 2.5 साल से ही गायन कर रही है और पूरे देश में अपने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। दीक्षित, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। अब आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि जैसे आपके जैसे दूसरे जो छोटे बच्चे प्रतिभावान हैं, जो अपनी प्रतिभा को कहीं मंच नहीं मिलने की वजह से, अन्य कार्यों की वजह से नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए क्या संदेश देंगी? मैं उनकी मदद करूंगी और देश को आगे बढ़ाना है। मतलब आप उनकी प्रतिभा को बढ़ाने में आप उनकी हर तरीके से मदद करना चाहेंगे और उनको आगे बढ़ाना चाहेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने हमारे दर्शकों को। अब जाते जाते हम यही चाहेंगे कि आप में इतनी प्रतिभा है तो आपको जो भी अच्छा लगता हो हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तूने मेरा सहारा। माँ आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, मैंने मन से तेरी पूजा की है शाम सवेरे, मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे, मैया मैया बोले मेरा हो हो, मैया मैया बोले मेरा मन एक तारा। माँ आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, आमा आ तुझे दिल ने पुकारा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी आवाज भी हमारे दर्शकों को सुनी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार एक तरफ नारा दे रही है और दूसरी तरफ बेटियों का अत्याचार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चों के हत्या हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सहयोग दें। धन्यवाद दीक्षिता, आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे आप बहुत निरंतर प्रगति करें और हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करें। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।